Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की हंगेरियन फिल्म इटर्नल विंटर के बारे में, जो उस सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में 70 सालों तक कोई नहीं जानता था। ये पहली फिल्म है जो 7 लाख हंगेरियन लोगों की वो कहानी और वो तकलीफें दिखाती है जो सोवियत लेबर कैंप्स में उन्हें झेलनी पड़ी थी। साल 1944 के हंगरी में सोवियत राज था, जहां एक परिवार क्रिसमस मना रहा था और इस दौरान एगी नाम की एक लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वो आखिर खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, जबकि वो जानती है कि उसके पिता कभी घर वापस नहीं आएंगे और ये बात उसकी माँ को अच्छी नहीं लगी। एगी ने अपनी माँ से उस रात कहा कि वो भूल चुकी है उसके पिता आखिर दिखते कैसे हैं और उसकी माँ इरिन भी धीरे धीरे अपने पति का चेहरा भूलने लगी थी। अगली सुबह उनके घर एक पोस्टमैन आया जिसने उन तक एक ऐसी खबर पहुंचाई जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोवियत सिपाही हर उस इंसान को बंदी बना रहे थे जिनके पूर्वज जर्मनी से हैं और उन्हें बंदी बनाकर वो अपने साथ उन्हें लेबर कैंप में ले जा रहे थे। इरिन को भी दूसरों की तरह बंधुआ मजदूर बना दिया गया। जो भी उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता उसे मार दिया जाता, इसलिए उनके कैद में रहकर इरिन को काम करना पड़ेगा। वो जानती थी कि अब शायद वो घर वापस नहीं आ पाएगी, पर उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वो जल्द ही घर वापस लौटेगी और दूसरी औरतों और मर्दों के साथ इरिन कैदी बनने के इस सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि सोवियत सिपाही दूसरी औरतों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसकी मुलाकात एना नाम की लड़की से हुई जो सुन नहीं सकती। इरिन ने उसे खाना दिया और उसकी मदद की। पैदल लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें ट्रेन में ले जाया गया जहां से वो लोग लेबर कैंप में ले जाए जाने वाले थे। ट्रेन में जाने से पहले कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की और इरिन की आंखों के सामने ही वो लोग मारे गए। ट्रेन में मौजूद सारी औरतें एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगी और उस सफर में इरिन ने एना का ऐसे ख्याल रखा जैसे कि वो उसी की बेटी हो। और कुछ दिनों बाद वो लोग कैंप तक पहुंचे। उस सफर में एक औरत बुरी तरह बीमार हो गई और जब उसकी मदद करने के लिए इरिन ने एक सिपाही से बात की तो वो उसे पीटने लगा, पर सही वक्त पर एवा नाम की एक औरत ने उसे बचा लिया। उन औरतों को उस वक्त समझ आ गया था कि जिस कैंप में उन्हें ले जाया जा रहा है वो किसी नर्क से कम नहीं और वहाँ लोगों की मौत भी हो सकती है। अंदर जाते ही उन लोगों के साथ जानवरों सा सलूक होने लगा और उनसे उनके सारे कपड़े छीनकर वहां मौजूद सिपाहियों ने उनका एग्जामिनेशन किया। एवा एक रशियन थी पर उसका पति एक जर्मन था, इसीलिए उसे वहां बंदी बनाया गया था और सिपाहियों की बातें उन बंदियों तक पहुंचाने के लिए एवा को ट्रांसलेटर का काम दिया गया था। इन आम नागरिकों को उस गुनाह की सजा दी जा रही थी जो नाजीज ने किया था और उन्हें खाने में सिर्फ पानी और एक ब्रेड दिया जा रहा था। वो लोग अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर थे और उन्हें इस बर्फ में धसी जगह पर माइनिंग का काम दिया जा रहा था। उन्हें ये बताया गया कि उन्हें ये काम तब तक करना होगा जब तक वॉर खत्म ना हो जाए। खदान में काम करते हुए इरिन की मुलाकात एक और बंदी से हुई जिसका नाम रामन था। इरिन वहाँ भी एना से दूर नहीं होना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उसने एक ऐसी जगह काम करना शुरू किया जहाँ उसे हर वक्त झुककर काम करना पड़ रहा था। ठंड और मजदूरी से इरिन की हालत बदतर हो गई थी और ना तो उनके लिए नहाने का पानी बचा था और ना ही खाना बचा था क्योंकि इरिन और एना को अपना कोटा पूरा करने में देरी हो गई थी। अगले दिन भूखे पेट इरिन से काम नहीं किया जा रहा था और इसलिए उसने दूसरे कैदी से विनती की कि वो उसके लिए और एना के लिए खाना बचा कर रखे, पर वो आदमी इसके बदले इरिन के करीब आने की मांग करने लगा। जब एना ने इरिन को ऐसा करने से रोका तो उस रात भी उनके लिए खाना नहीं बचाया गया। ऐसे ही उन दोनों के लिए बिना खाए 3 दिन बीत गए और भूख के मारे इरिन एना को दोष देने लगी। अगले दिन इरिन ने एना को छोड़ दिया और अपना काम पूरा करके वो खुद खाने चली गई और देर रात एना काम पूरा करके भूखे पेट वहां आई, पर फिर उसने देखा कि इरिन ने उसके लिए भी खाना बचा कर रखा था। रामन इरिन को पसंद करने लगा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और इसलिए इरिन को खाने की कोई कमी नहीं हो रही थी। दूसरी ओर एवा सोवियत सिपाहियों के साथ रहने लगी थी और इसलिए उसे कोई मजदूरी करनी नहीं पड़ रही थी। अगले दिन एना बुरी तरह बीमार हो गई, पर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे वहां जगह नहीं दी गई। इरिन दिन रात उसका ख्याल रखती रही पर उसकी तबीयत बेहतर नहीं हुई और फिर एक दिन कुछ सिपाहियों ने आकर इरिन के गिड़गिड़ाने के बावजूद जबरदस्ती एना को काम पर भेज दिया। खदान में काम कर रहे एक आदमी से कहकर इरिन ने दवाइयां मंगवाने का इंतजाम किया जिसके बदले एक ट्रक ड्राइवर ने
इरन से एक घड़ी मांगी, पर क्योंकि इरन के पास उस वक्त कोई घड़ी नहीं थी, उसने अपनी शादी की अंगूठी उसे दे दी। ऐसा करने के बाद बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद दवाइयां लेकर वो वापस नहीं लौटा, और फिर खाने के लिए इरन और एना को बुलाया गया। ना चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से बाहर जाना पड़ा, पर बीच रास्ते इरन और एना को रुककर इंतजार करना पड़ा। इरन चाहती थी कि एना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और इसीलिए उनका दवाइयों का इंतजार करना बहुत जरूरी था। पर एना की जान अब और खतरे में थी, क्योंकि भेड़ियों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। इरन के लाख कोशिशों के बाद भी एना अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, और बर्फ के बीचों बीच एना की मौत हो गई। पर जब इरन एना की बॉडी को कैंप ले जाने लगी तो उसके सामने भेड़िए आ गए, और उसे एना की बॉडी को वही छोड़कर कैंप में जाना पड़ा। कैंप में पहुंचते ही उसने सिपाहियों से एना की बॉडी वहां लाने की विनती की, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। और तब उसने एक बंदूक अपने हाथ में ले ली, जिस वजह से उसे बेहोश कर एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। कई दिनों तक उस काल कोठरी में उसे बिना खाए पिए रहना पड़ा, और बिना खाए पिए उसकी हालत बिगड़ती गई और वो हेल्यूसिनेट करने लगी। उसे भी एना की ही बीमारी लग गई थी, जिसके बाद उसे बाहर निकालकर डॉक्टर के पास रखा गया, जहां उसका इलाज भी नहीं किया गया। रामन को जब इरन के बीमार होने की खबर मिली तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगा, और आखिरकार वो उसे मरीजों के उस कमरे में बीमार पड़ी मिली, जहां जानवरों की तरह उन्हें रखा गया था। इरन अब अपने सपनों की दुनिया में बंध चुकी थी, पर रामन ने उसे उस दुनिया से बाहर निकाला, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सोती रही तो उसकी मौत हो सकती है। और फिर उसने डॉक्टर को रिश्वत देकर इरन का इलाज करवाया। रामन उसका ख्याल रखने लगा, और तब पहली बार उन दोनों की बातचीत हुई। इरन को रामन का इस तरह उसका ख्याल रखना अच्छा लग रहा था, पर फिर उसने पूछा कि वो उसकी मदद आखिर कर क्यों रहा है। तब रामन ने कहा कि वो उसे पसंद करता है, और उसने कहा कि यहाँ से वो लोग वापस घर नहीं जाने वाले, इसलिए उसे अपने परिवार को भूल कर यही जीना सीखना होगा। रामन उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर इरन ने कहा कि वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। कुछ दिनों बाद इरन के डॉक्टर को खबर मिली कि हिटलर की मौत हो गई है और अब वॉर खत्म होने वाला है। ये बात जानकर कि वो अब दूसरे कैदियों के साथ अपने घर वापस जा सकती है, इरन बहुत खुश हो गई, पर वो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। जब अगली सुबह वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसने देखा कि वहाँ सिर्फ सिपाही है और कैंप में कोई भी कैदी मौजूद नहीं है। वो ये सोचकर सामान बांधने लगी थी कि जल्द ही उसे घर भेज दिया जाएगा, पर फिर वहाँ दूसरी औरतें आई और उन्होंने बताया कि सुबह ये अनाउंसमेंट हुआ था कि उन्हें वही रहकर काम करना होगा, और ये ऑर्डर्स सोवियत प्रेसिडेंट स्टालिन के थे। ये बात जानकर उसकी हिम्मत टूट गई, और उसे समझ आया कि शायद वो हमेशा के लिए यही फंस चुकी है। वो अब फिर से काम पर लग गई थी, पर रामन से मिलकर उसने कहा कि वो यहाँ से निकलकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। वो रामन की तरह ही जिंदा रहने के सारे तरीके अपनाना चाहती है, पर उसने कह दिया कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। रामन ने उसे सिगरेट्स बनाना सिखाया, जिससे वो सिपाहियों को रिश्वत दे सके, और इस तरह वो पहले से बेहतर तरीके से वहाँ जीने लगी। एवा रामन और इरन को साथ देखकर उन पर नजर रखने लगी, पर वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। इरन को सिखाया गया कि इस जगह उसे सिर्फ खुद के बारे में सोचना होगा, और खुद के इन्हीं रूल्स को तोड़कर रामन उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। एक रात एवा ने बताया कि उसे बीमारी हो गई है, जिस वजह से उसे सिपाहियों ने निकाल दिया है। उसने इरन से दवाई मांगी, पर इरन ने दवाइयां देने से इनकार कर दिया। वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी और सिर्फ खुद के बारे में सोच रही थी, और उस रात एवा को ये बात पता चल गई। एक दिन काम करते वक्त रामन को चोट लगी, और तब इरन ने उसे बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। रामन को घायल देखकर उसे एहसास हुआ कि वो भी उससे प्यार करने लगी है, और उस दिन उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया, जिसे जारी रखने में एवा ने उनकी मदद की। वहाँ रहकर उन सारे कैदियों को 4 साल हो गए थे, और इस बीच एवा ने अपनी बेटी को भी जन्म दिया, जिसे इरन भी संभाल रही थी। इरन वही अपनी दुनिया बसाने लगी थी, पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। एवा और इरन को खबर मिली कि आखिरकार उन्हें रिहा किया जा रहा है, और उन सारे नागरिकों को और एवा और उसकी बेटी को हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। वो कैंप जहां उन्हें तड़पाया गया, जहां बहुत सी मौतें देखी गई और बहुत सी दोस्तियां हुई और नए रिश्ते बने, वही कैंप हमेशा के लिए खाली हो गया, और जर्मन्स और हंगेरियंस को अपने अपने देश भेजा जाने लगा। हंगरी का वो हिस्सा जहां रामन रहता था अब यूगोस्लाविया का हिस्सा बन चुका था, और इसीलिए उसे हंगरी में रहने की इजाज़त नहीं दी गई।
इस बात का ये मतलब था कि रामन और इरन कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। उस सिपाही ने उनसे कहा कि उनके लिए अपने घर ना जाना ही बेहतर रहेगा और अगर उन्हें साथ रहना है तो अपने आप को जर्मन करार कर उन्हें जर्मनी में रहना होगा। इरन को अब ये फैसला लेना होगा कि उसे अपने परिवार के पास हंगरी वापस जाना है या रामन के साथ जर्मनी में रहकर अपना भविष्य तय करना है। और जब अपनी नेशनैलिटी बताने की बारी आई तो रामन ने जर्मन बताकर इरन का इंतजार करना शुरू कर दिया। पर फिर रामन को लगने लगा कि इरन शायद उसके साथ नहीं आएगी। जिस ट्रक में उन्हें जर्मनी ले जाया जा रहा था वो ट्रक वहाँ से निकलने लगी, पर फिर सही वक्त पर वहाँ इरन आई और ट्रक की तरफ दौड़ी। रामन उसे देखकर खुश था, पर फिर इरन ने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमाई और हमेशा के लिए उसे अलविदा कह दिया। इरन ने हंगरी में अपने परिवार के पास रहने का फैसला कर लिया था और रामन का उसके प्यार के लिए उसने शुक्रिया अदा किया। वो वापस अपने घर लौट गई, जहां उसे उसके माता पिता मिले जो 4 सालों बाद अपनी बेटी को देख रहे थे। इरन के पति की वॉर में मौत हो चुकी थी और अंत में उसे उसकी बेटी मिली, जिससे मिलने के वादे ने ही इरन को अब तक जिंदा रखा था। 7 लाख कैदियों में से 3 लाख लोग कभी वापस घर लौट कर ही नहीं आ पाए और जो वापस आए उन्हें अपने कैंप की सच्चाई बताने से हमेशा रोका गया और ये सच्चाई सिर्फ 70 सालों बाद ही दुनिया को पता चली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।